गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों, हम आपकी पहली क्लास में चैप्टर एक्सरसाइज कवर कर रहे थे और उसमें हमने आपका एक क्वेश्चन किया था, राइट डाउन द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी। उसके साथ साथ हमने अमोनिया की और मिथेन की भी डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वॉट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। आपने सल्फर के एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट की थी। आपको पता है कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम्स होते हैं, सल्फर के 8 आइटम्स होते हैं। सो अब तक हमने आपकी चैप्टर एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें आपने मिथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ आइसो।
द ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस. आपको दो प्रॉपर्टी लिखनी है कार्बन की, जिसकी वजह से आप कार्बन के अपने चारों तरफ इतने सारे कंपाउंड्स देखते हैं. सो आपको पता है कार्बन की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट वन कौन सी है? कैटिनेशन. क्या होती है बच्चों कैटिनेशन की प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी होती है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन. सो द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड कैटिनेशन. किसी भी एलिमेंट की जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं. इसमें क्या होता है बच्चों कि जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एलिमेंट अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करके, अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करके क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं. और किसी भी एलिमेंट की इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं. और कार्बन में आपको पता है कार्बन का जो ग्रुप होता है उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मिलती है कार्बन में, एंड आफ्टर दैट सिलिकॉन में. लेकिन कार्बन में ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करके लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा? अब वो लॉन्ग चेन दो कार्बन एटम की भी हो सकती है, तीन कार्बन एटम की भी हो सकती है, फोर की भी हो सकती है, फाइव की भी, इवन 50, 100, 1000 और कितने भी कार्बन एटम की हो सकती है. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? कार्बन एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है. नेक्स्ट है बच्चों टेट्रावेलेंसी. टेट्रावेलेंसी आपको पता है कार्बन एटम जो होता है कार्बन एटम की वैलेंसी कितनी होती है? कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है. इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 4 अदर बॉन्ड फॉर्म कर सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ. अब ये यहां पे क्या होता है बच्चों? कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, वो अदर एटम के साथ डबल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, और वो दूसरे एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन ना सिर्फ कार्बन से बॉन्ड फॉर्म करता है, वो दूसरे एलिमेंट जो होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. सो कार्बन की टेट्रावेलेंसी होने की वजह से भी ये ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म करता है. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन.
5H10. Next question is, draw the structures for the following components.
कंपाउंड है एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉल एंड हेक्सेनॉल. CH2 कितने कार्बन एटम हुए?
डबल बॉन्ड. सो कार्बन डबल बॉन्ड O एंड H. तो ये है बच्चों आपके क्वेश्चन. बाकी के आपके क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. सबकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे.